इस वक्त वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस फिल्म की हीरोइन मीरा वासुदेवन के साथ. तो आइए मिलते हैं इनसे. मिलिंद, मीरा, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार. आप दोनों को मेरा भी नमस्कार. थैंक यू. मिलिंद, ये बताइए, आप रूल्स प्यार का सुपरहिट फार्मूला, आप वो जो आपका मॉडलिंग से प्रेम है उसे छुपा नहीं पाए और आपने जो विषय है अपनी फिल्म का वो भी कुछ मॉडलिंग से रिलेटेड ही चुना है, क्यों? एक्चुअली दैट हैज नथिंग टू डू विद इट कि मैं मॉडल हूँ या नहीं था और था, बट इट्स द स्टोरी हैज टू डू विद एक लड़की जो आम लड़की की तरह किसी मशहूर आदमी पे से प्यार करती है बहुत सालों से. इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमेना, मैंने भी देखा है अपनी ज़िंदगी में कि फ्रॉम द एज ऑफ फ्रॉम द एडोलेसेंट ईयर्स, तो जब से ये लड़की 14 साल की है आज तक, जब से जो हाँ वो 21 या 22 साल की है, शी हैज हैड दिस क्रश ऑन दिस वेरी फेमस सुपर मॉडल. नाउ क्रश कुड बी ऑन अ एक्टर, सिंगर, एनीथिंग. सो इट्स जस्ट इंसिडेंटल कि ये एक मॉडल से प्यार करती है. तो प्यार को रूल्स में क्यों बांध दिया आपने? और रूल्स क्या है प्यार के? आदो 10 कमांडमेंट्स. You'll have to watch the movie to find out, but let me tell you the beginning of the first. जी जी बताइए. तो ये लड़की है जो जब से वो 14 साल की है वो इस आदमी से प्यार करती है. एंड द फिल्म ओपन्स विद अ फैशन शो वेयर शी सीज विक्रम वर्मा जो मॉडल है फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो यही सोचती है कि यही आदमी है जिससे मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, इसी आदमी के साथ. लेकिन वो देखती है कि इस आदमी की एक बहुत ही खूबसूरत गर्लफ्रेंड है, नम्रता बरुआ. तो निराश होकर वो अपनी दादी से जाके कहती है कि मैं खूबसूरत क्यों नहीं हूँ? वो ये जो मेरे सपनों का राजकुमार है वो मुझे क्यों देखेगा? Why will he even notice me? उसकी इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है, मैं क्या करूँ? सो द दादी सेज, लिसन, इट्स नॉट अबाउट लुक्स. खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं है. यू नो, आकर्षण एक खेल है और हर खेल की तरह इसके भी नियम हैं. अगर नियमों के मुताबिक तुम चलोगी तुम्हें कोई भी मिल सकता है. सो इन दिस वी ऑल्सो सी दैट दादी इज सेइंग दैट इट्स नॉट नेसेसरी टू बी आउटवर्डली ब्यूटीफुल. अगर तुम्हारे अंदर जो स्पेशल चीज़ हैं, जो हर इंसान के अंदर है, इफ़ यू शो दैट देन एवरीबडी विल लव यू. तो मीरा, आपकी तो ये डेब्यू फिल्म है, तो इस फिल्म में जो दादी जी बनी उन्होंने आपको कौन कौन से रूल्स बताए हैं प्यार का जीतने के? Well, वो रूल्स तो मैं नहीं बता सकती, बट सी बेसिकली ये सारे रूल्स कुछ इस तरह के हैं जो हम सबकॉन्शियसली यूज़ करते हैं अपनी रिलेशनशिप्स में. I think almost in every relationship, when you begin a relation, when you look at a particular person, there is something in you say which says, काश ये मुझे दोबारा देखे, काश ये मेरी तरफ दोबारा देखे. लेकिन कब देखेगा? अगर मैं उसे ध्यान दूँ तो, अगर मैं ध्यान ना दूँ तो चलो मैं जाके किसी और की एडवाइस ले लूँ. सो यू नो वी आर ऑलवेज मेकिंग अप रूल्स. मीरा, अपनी पहली फिल्म जाने माने सुपर मॉडल मिलिंद सोमन के साथ आप कर रही हैं, कैसे लगे ये आपको को एक्टर के रूप में? कैसा रहा अनुभव इनके साथ? अभी आपने देख लिया. काफी फ्रेंडली नजर आ रहे हैं क्या? अच्छा ही लगा होगा. और क्या लगेगा? हम मीरा के मुंह से भी सुन लेते हैं. मिले और मीरा कैसा रहा? ही इज अ मेजर डिसिप्लिनरियन. ओके, लगते तो नहीं है. No, you don't know. It's serious, trust me. He's been training me all the time like my father literally. अच्छा ये बताइए मिलिंद, कोई खास वजह? सब लोग इस, ये जो आपकी टीम है इस फिल्म की, सब लोग नए हैं, इसके राइटर नए हैं, डायरेक्टर जो हैं वो आपके साथ को प्रोड्यूसर भी हैं पार्वती जी, वो भी नई हैं, हीरोइन आपकी नई है, कोई खास वजह? पुराने लोगों की थोड़ी कमी है इस फिल्म में? नहीं, जब हमने कंपनी शुरू की ई मोशन पिक्चर्स इन 1998 विद आवर फर्स्ट सीरियल विच वॉज मार्गरीटा, जो मेरी पहली हिंदी सीरियल थी, जी जी, विच वॉज डायरेक्टेड बाय पार्वती बाल गोपालन, वी ऑलवेज वॉन्टेड टू मेक मूवीज. आई मीन एज अ डायरेक्टर पार्वती वॉन्टेड टू मेक अ फिल्म. So we started working on different scripts and we finally made our film. The other focus of our company was to work with new people, with new talent. Because in industry, there are so many good talent that people don't use. There are actors that don't get work, there are cameramen, there are art directors. There are so many because the established people keep wanting to work with the same people again and again. If there is a relationship, so they work with them. The rest of them ignore. So we want to work with new people in any department. If their talent is suitable for the movie we're working on, we will take them. Kitna input raha aapke personal experience se is film mein? Khud ke experiences bhi humne istemal kiye. Aap bhi kaafi rangeen swabhav ke hain. Achha ji. So, nahi sab ke, because as we see, in any, like Meera was saying, in any relationship, you know, we always manipulate things. We always show a face that we feel the other person will like. We always do things that we feel other people can relate to.
So all of us manipulate our relationships, whether it's business relationship, whether it's a romantic relationship. So this is a lighter look at that, that if we actually structure that manipulation into a formula, does it actually work? And it does. Meera, आप ये बताइए, जब आज बहुत अभिनेत्रियाँ जो हैं वो फिल्म इंडस्ट्री में अपना भाग्य आजमा रही हैं, एक से बढ़कर एक हीरोइंस हैं, ऐसे में आपने अपने आप को कैसे तैयार करके रखा है? Well, I just believe in doing everything to the best of my ability. And मैं हमेशा मैं जानती हूँ कि a director has a particular vision of what he creates or she creates. And I always try to live up to that vision. मीरा, आप एक्टिंग फील्ड से नहीं हैं, इस फिल्म से पहले आप एक्टिंग नहीं कर रही थी, तो आपका चुनाव कैसे हुआ इस फिल्म के लिए? मेरे ख्याल से बहुत ही मीरा बताने वाले हैं, बट इट्स ट्रू, हम उनके मुंह से भी सुनना चाहेंगे. ओके, बेसिकली मेरी मैंने जो ऐड की थी फॉर सेट मैक्स क्रिकेट व्हाइल इट वाज बीइंग टेलीकास्ट, बट आई एम ड्रॉइंग अ रंगोली एंड सिंगिंग अ प्रेयर ऑन क्रिकेट, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट, इट्स कॉल्ड ओम क्रिकेट आय नमः. जी जी, देखा है. वेल या, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देयर ऑफिस आफ्टर दैट टू कम एंड टेस्ट, इनकी फिल्म के लिए टेस्ट करने के लिए कॉल आया था. मैं गई, मैंने टेस्ट किया, उसके बाद आई हैड अ स्क्रिप्ट रीडिंग विद मिलिंद, माय मॉम एंड ऑल ऑफ अस वर सिटिंग देयर. आई लाइक द स्टोरी अ लॉट एंड आई रिलेटेड टू इट ऑन अ लार्ज लेवल. मिलिंद, आप ये बताइए कि जब आज बहुत बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं वो प्रोड्यूसर बन रहे हैं, क्या यही वजह है कि आपने भी सोचा कि आप भी अब प्रोड्यूसर बन जाएंगे? नहीं, एज आई मेंशनड अर्लियर, माय फर्स्ट सीरियल वाज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय मी. द फैक्ट इज दैट आई एम अ कंट्रोल फ्रीक, मैं जो भी करता हूँ आई वॉन्ट टू बी इन कम्प्लीट कंट्रोल ऑफ इट, कि जो भी होता है इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू व्हाट आई फील. तो इवन द फर्स्ट सीरियल, देन वी मेड थ्री और फोर सीरियल्स आफ्टर दैट, एंड we've made this movie now. That was the only reason. It's not because other people do it, it's because I wanted to. I said if I am going to be acting or being associated with films, I might as well be in a position to film say, ke promos aane shuru ho gaye hain, sangeet kafi lokpriya ho raha hai, kaun hai music director aur aapko kaisa lag raha hai sangeet? Mujhe to sangeet bahut acha lagta hai film ka. The music director is sandesh shandilya aur unki khasiyat ye hai ki he really goes into depth at the script level. He understands the entire story, the characters. Aisa nahi ki ye sad situation hai, yahan sad gana dal do, ye happy situation hai, happy dal do. And he has a list of tunes and says ki yahan se koi bhi gana chun lijiye aur dal dijiye. He understands the entire graph. To agar aap kisi bhi gaane ko utha kar nikalenge, there will be a gap there. Itna finely juda hua hai sangeet film se. Chaliye Milind, चलिए मिलिंद, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि रूल्स प्यार का सुपर हिट फार्मूला सुपर हिट हो, आपके फिल्म को काफ़ी सफलता मिले. मीरा, आप अच्छी अच्छी फिल्में करें इसके बाद भी. आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्कार. थैंक यू.